टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज हम आपको इसी मुमरा शहर के एक इलाके की खबर बता रहे हैं, जो 25 सालों से लोग परेशान थे, वो अब पिछले एक साल से परेशान नहीं है। यह खबर है रसीद कंपाउंड श्रीलंका देवरीपाड़ा की, जहां हर साल थोड़ी भी बारिश होती थी ग्राउंड फ्लोर के दुकान मकान में पानी भर जाता था, लेकिन इस साल दुकानों में पानी नहीं भरा। उसकी वजह है नाले की साफ सफाई। जब नाले की ठीक से साफ सफाई नहीं होगी तो ओवरफ्लो होकर पानी नालों में बहने के बजाय सड़कों पर नदियां बनकर बहने लग जाती है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये वही तस्वीर है, ये वही नाला है जो जाम के कारण पानी ओवरफ्लो होकर रसीद कंपाउंड की तरफ बहता था और अब इस नाले से बड़ी ही आसानी से पानी पास होता है। लेकिन हमने इस दौरान बात की समाज सेवा रिहान पित्तलवाला से, उन्होंने क्या जानकारी दी है सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जरूर भाई, आपका और आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक रसीद कंपाउंड का बहुत सेंसिटिव इश्यू कवर किया, जो कि बरसात के दौरान पानी भराव का था। देखिए, ये हमारे जो नाले हैं या INDP के नाले बड़े, ये डायरेक्ट पहाड़ से कनेक्टेड है और तमाम पहाड़ का जितना फोर्स से पानी ये नीचे आता है। मेरे वार्ड में तकरीबन 4 से 5 INDP के बड़े नाले हैं और हमने एक मुहिम के थ्रू या एक इससे इबरत लेते हुए लोगों के नुकसान को देखते हुए ये कर दिया कि हमने हर नालों में हर 7 दिन में पोकलैन लगाना है, हर 7 दिन में 10 दिन में JCP लगाना है। और जो पहाड़ की जो मिट्टी का जो सॉइल इरोशन का मामला होता है, वो जो मिट्टी बह के नालों में आती है, उसको हर रेगुलर इंटरवल पे 6 दिन के 10 दिन के उसको निकालना है। ये देखिए, ये पूरा जो पहाड़ बन गया, ये पूरी मिट्टी बह के आई हुई है यहाँ तकरीबन, ये 1 माले तक के बन गया और आपके सामने और निकल रहे हैं, ये सब पूरी मिट्टी है। देखिए, यहाँ पर रईस अनीस बिल्डिंग से लेके एलाइट तक के दोनों तरफ रोड के मेरे हिसाब से 300 से 400 ज़्यादा दुकान होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह एक दुकानदार का नुकसान अगर आप 40 से 50 हज़ार पकड़ें तो भी कम है। तो बेसिक इसके अंदर ये हुआ कि जो पहाड़ का पानी आता था देवरीपाड़ा, श्रीलंका, हशमत चौक, वो पानी नीचे आके पूरा फ्लडिंग कर देता था। आज हमने थोड़ा सा TMC अधिकारियों से, हमारे जो अधिकारी है हमारे गोसावी साहब, महेश अहिर साहब, इनके सहयोग से हमारे अवार्ड साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मंत्री जी का इसमें, कि हमको मशीनरी सारी टीम मुहैया कराई और हमने ये पानी को डाइवर्ट कर दिया। जो देवरीपाड़ा श्रीलंका परिसर का पानी था, इसको हमने रसीद कंपाउंड नीचे पहुंचने ही नहीं दिया, हमने ये बाईपास के नाले से इसको डाइवर्ट कर दिया। अब तक के इसका ये प्रोविजन कभी नहीं हुआ था। देखिए, ये कलवर्ट मैंने नहीं बनाया, ये कलवर्ट पिछले 20 साल से है, 15 से 20 साल से है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होती। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमने गार्डर लगाए हैं, एंगल, ये एंगल इसीलिए लगाए कि जो फ्लोर के ऊपर का पानी आता है वो आए और इस नाले के अंदर बह के चला जाए और जो हमारा INDP का नाले का पानी आए उसके अंदर मुसलसल जो घड़ी घड़ी हम सफाई करवा रहे हैं हर 7 दिन में 5 दिन में 10 दिन में, ये इसी के लिए कि पट्टी रुके नहीं और नाला हमारा बड़ा नाला जाम ना हो। तो आपने सुना, रेहान पित्तलवाला ने बताया कि हम हर हफ्ते 10 दिन में बारिश के मौसम को देखते हुए साफ सफाई JCP लगाकर करवाते हैं। यही वजह है कि पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन 2 सालों में जो लोगों के दुकानों मकानों में पानी भर जाने के बजाय सड़कों पे पानी बहने के बजाय नालों से पानी बह रहा है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।